कुछ देखने नहीं ब्लॉग में। एक्चुअली अभी मैं लेट से उठा हूँ तो मेरे को थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लग गया। रात में एडिटिंग काफ़ी टाइम लग गया था एडिटिंग करने में, तो मैं लेट लगभग 1-1.5 बजे के आसपास मैं सोया था। चलिए आज के ब्लॉग में मम्मी जो है अभी चाय बना रही है डेली सुबह सुबह। आप लोग देखते हो डेली सुबह मम्मी चाय बनाती है, हर रोज की तरह आज भी चाय बना रही है। सुबह सुबह जो चाय पीने का मजा है ना अदरक वाला, वो भी अलग ही उसका मजा है, तो हल्का एकदम चाय जो बन रहा है वहाँ देखो। चाय पीने का ना अलग ही मजा है, सुबह का चाय एकदम लगता है ना स्वर्ग, एकदम स्वर्ग जैसा फील होता है पीने के बाद स्वर्ग में। उसको देखो मम्मी वहाँ पे चावल जो फटक रही है, यानी चावल में थोड़ा गेहूँ है, तो मम्मी वो निकाल रही है। देखते हैं यहाँ पे वहाँ पे गेहूँ है चावल में, मम्मी वो फटक के सारा निकाल रही है, उसमें डिक्की में रख रही है। और यहाँ पे बच्चे को देखो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मॉर्निंग वाला ब्लॉग आधे जब अपलोड हो जाता है तो वो देख रहे हैं। वो कैसा लगा ब्लॉग हाँ तुमको भी दो दो अच्छा। नानी क्या कर रही है वहाँ पे देखो, चावल छोटा कर रही है वहाँ पे, दौड़ के जा रही थी गिर गई सीढ़ी पे से, मजा आया गिर के, कैसे दौड़ के जा रही थी फटाक से गिर गई नीचे, मजा आया गिरने के बाद, लगा चोट कहाँ पे चोट लगा पेट में हाँ अभी ठीक है ना है? देखो तो फायदा हो गया ना गिरने के बाद, दो भुजिया मिल गया, एक वो किंडर जॉय मिल गया, टॉफी मिल गया, कितना फायदा है। एक बार गिर गई तो अब टीचर आएंगे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा है, आराम से बैठ कर मोबाइल मिल गया, मोबाइल देखो ना किटो अभी ठीक लग रहा है ना। घर में तो और किसी को खाना खाने में तो लेट लगता नहीं, सब लोग टाइम पे 10 बजे 11 बजे खा लेते हैं। एक मम्मी है घर में, सबको खाना वाना खिलाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद कितने बजे, मतलब अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे खाना खा रही है सबको खिलाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद। सबके सेहत का ध्यान रखना है, अपना कुछ नहीं। मेरे लिए रोटी बना रही है गर्म गर्म, अभी टाइम जो है ना 2:30 बज रहा है, और ठंड के मौसम में ना मेरी आदत है मैं गर्म रोटी खाता हूँ, ठीक है, यानी जब भी भूख लगती है ना मम्मी गर्म गर्म बेल के देती है। अभी मेरे को भूख लग गई है 2:30 बज रहा है, तो मम्मी जो है गर्म आटा गूंद के रखी फटाक से रोटी मेरी बना रही है, इसको कहते हैं माँ का प्यार। अभी तो गई फिलहाल मैं आया हूँ विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे ठंड का कुछ शॉपिंग करने के लिए, बट यहाँ पे मेरे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, उतना कलेक्शन ही नहीं है, पूरा झड़ गया, यानी शाम का टाइम है ना तो कुछ है ही, कुछ मिल ही नहीं रहा पसंद का, कुछ पसंद आए तब मैं लूँगा, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। तो गई सब भी देख सकते हो आप, मम्मी जो है वहाँ पे रात के खाने का तैयारी कर रही है, और बन रहा है वहाँ पे क्या सत्तू वाला पूड़ी, लिट्टी जिसको बोला जाता है ना लोकल लैंग्वेज में लिट्टी बोला जाता है, तो सत्तू वाला पूरी वहाँ पे मम्मी रेडी कर रही है, उसका मसाला वगैरह जो भी है आटा गूंद के रख चुकी है और मसाला रेडी कर रही है। अच्छा लगता है बना सत्तू वाला पूरी? हाँ नानी क्या बना रही है? सत्तू वाला पूरी और उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लिट्टी। लिट्टी खाओगे ना? हाँ दांत तो है ही नहीं तो खाओगे कहाँ से। नानी नानी बना रही है, पूछो तो हाँ नानी बना रही है, पूछो ना नानी बना रही हो मेरे नानी लिए? बना रही हो बना रहे हैं बन जाएगा ना फिर गर्म गर्म दोनों। तो गाइस लिट्टी बन के आ चुका है अभी मैं, यानी मम्मा दे गई है यहाँ पे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही तो मम्मी दे के गई इधर बना के बेड पे ही, बोली खा लो, तो मैं तेरे भी आ रहा हूँ खाने के लिए, देख तो लिट्टी कैसा बना है मम्मी के हाथ का। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैंने खाना वाना खा लिया है, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है इसलिए, रात भी बहुत हो गई है, तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अब मिलते हैं आपसे फिर से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू लेटर इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय गाइस।